साइकिल के बारे में बताइएगा कि इससे क्या क्या कितनी बुलंदी पे ये काम कर सकता है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में अगर किसी किस्म के कोई हादसा होता है तो। तो इस वक्त मैं इस स्नार्कल पे मौजूद हूँ और इसके ज़रिए मैं भी इस वक्त ऊपर बुलंदी के जाने कितनी बुलंदी तक ये जा सकती है मेरे सामने देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ऊंची इमारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद फायर स्टेशन में और यहाँ पर जो सबसे बुलंद वाला स्नार्कल मौजूद है इसे ऑपरेट किया जा रहा है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इस मशीनरी के बारे में डिटेल बताऊंगा, यहाँ पे जो चीफ फायर ऑफिसर है उनसे बातचीत भी करूंगा। 104 मीटर बुलंदी तक जाने वाला ये स्नार्कल जो कि कराची में इस वक्त ऊँची ऊँची इमारतें तामीर की जा रही है, हाई राइज बिल्डिंगें वगैरह, तो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के नाखुशगवार हालात में यह स्नार्कल काफ़ी सहूलत मैसर कर सकती है, काफ़ी इससे मदद ली जा सकती है इस मशीनरी के ज़रिए। तो अभी मैं यहाँ पर जो चीफ ऑफिसर है इनसे बातचीत भी करता हूँ और मज़ीद तफसीलात इस स्नार्कल की उन्हीं की ज़ुबानी आपको आज के इस व्लॉग में बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। स्नार्कल जो कि इस वक्त फायर स्टेशन में टेस्टिंग के तौर पे यहाँ पे इसे एक्टिव किया गया है, सामने देख सकते हैं ये मशीनरी मौजूद है, ऑपरेटर भी इसके ऊपर मौजूद है और अभी मैं मज़ीद इस मशीनरी के बारे में आपको मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा कि ये इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, किसी किस्म के सानात से निपटने के लिए किस किस्म के इसके साथ मदद ली जा सकती है, रेस्क्यू के हवाले से, फायर के हवाले से, ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फायर ऑफिसर जो यहाँ के इंचार्ज हैं नाजाबाद फायर स्टेशन के, इनसे अभी मैं बातचीत करता हूँ और इनकी ज़ुबानी आपको मज़ीद तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई, इस स्नार्कल के बारे में बताइएगा कि इससे क्या क्या कितनी बुलंदी पे ये काम कर सकता है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में अगर किसी किस्म के कोई हादसा होता है तो। ये स्नार्कल हमें 3 साल पहले CM साहब ने बतौर गिफ्ट दी थी और इसके ये पूरे सिंध में एक ही स्नार्कल है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन ये समझें कि 104 मीटर और 300 फीट तक हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को सेफ कर सकते हैं, उनको बाहिफाजत बाहर निकाल सकते हैं और अगर खुदा ना खास्ता उस फ्लोर पर आग भी हो तो इसमें एक फायर फाइटिंग सिस्टम अलग से दिया गया है जो 2 बाउजर्स के ज़रिए जो उसको कनेक्ट किया जाता है और उस पानी को जो एक प्रेशर के साथ जो इसमें पंप लगा हुआ है और उस फायर पे फेंका जाता है और उसके बाद उन लोगों को भी लिफ्ट कर सकते हैं जो उस बिल्डिंग में फंसे हुए हों। हमायूं साहब, ये बताइएगा कि ये इस तरह के स्नार्कल इस वक्त कितने मौजूद हैं सिंध में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में? ये इस तरीके का स्नार्कल जो हैं 2 हैं, एक है लाहौर में और एक है ये कराची में और बाकी स्नार्कल्स हैं दूसरी जगहों पर लेकिन उनकी हाइट जो है वो तकरीबन 100 से लेके 165 फीट तक की है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इस स्नार्कल पे मौजूद हूँ और इसके ज़रिए मैं भी इस वक्त ऊपर बुलंदी के जाने रवा दवा हूँ दोस्तों और आपको मैं इसके ऊपर से आपको मनाते दिखाऊंगा कि कितनी बुलंदी तक ये जा सकती है। मेरे सामने देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ऊंची इमारत। तो अभी मैं
फायर स्टेशन में जो स्नार्कल बुलंद बाला मार तो अल्लाह ना करे किसी भी सानहात से निपटने के लिए जो यहाँ पे मशीनरी मौजूद है इसके हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन।